कोरोना काल में जहां लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं बिजली विभाग ने शहर के 7,000 उपभोक्ताओं को बढ़े हुए सिक्योरिटी शुल्क को वसूलने के लिए नोटिस जारी किए हैं। विद्युत विभाग द्वारा जारी किए गए इन नोटिस को लेकर उपभोक्ताओं में काफी रोष है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस किसी भी सूरत में सही नहीं है। विद्युत उपमंडल के नाहन के तहत आने वाले करीब 13,500 उपभोक्ताओं में से 7,000 उपभोक्ताओं को स्वीकृत लोड की बढ़ी हुई दरों के हिसाब से लाखों रुपए की रिकवरी के डिमांड नोटिस थमाए गए हैं। विद्युत बोर्ड के एसडीओ केपी सिंह का कहना है कि उपमंडल कार्यालय में हुए इंटरनल ऑडिट के आधार पर 2003 से पहले जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लगवाए थे उनको वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले उपभोक्ताओं ने जब कनेक्शन लगवाए थे उस वक्त स्वीकृत होने वाले लोड की दर प्रति किलोवाट 50 रुपए थी, अब ये बढ़कर 170 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के इंटरनल ऑडिट में सामने आए मामले के बाद उपभोक्ताओं से लोड की बढ़ी हुई दरों के हिसाब से बकाया वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सिक्योरिटी राशि रिफंडेबल है। ये दरअसल इंटरनल ऑडिट ने जो पुराने रेट थे वो 50 रुपए रेट था 2005 से पहले, अब ये रिवाइज होकर रेट 170 रुपए पर किलोवाट का हो गया है। उसके बीच में जो डिफरेंस है वो उस चीज़ को इंटरनल ऑडिट ने वर्कआउट करा और उसको हम चार्ज कर ले एडवांस में नोटिस दे के ना लोगों को, और ये रेट भी इस वजह से बढ़े कि उस टाइम पर यूनिट रेट भी 30 पैसे या 50 पैसे पर यूनिट होता था, तो बिल भी 100-150 रुपये के आते थे। और तो अगर आज की डेट में देखें 400-500 के हिसाब से आ रहा, तो इस हिसाब से ACD का भी अमाउंट बढ़ा दिया गया था ताकि अगर कोई बिल ना पे करे तो उसका पैसा हमारे पास एडवांस में उतना रहे कि वो बिल ना पे करने का जो हम उस स्थिति में वो जितना उसने जितने की बिजली जलाई हो लोड के हिसाब से वो हमारे पास अवेलेबल रहे। होता है रिफंडेबल है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है साल में एक बार अगस्त महीने में। ये 13,500 के आसपास हैं जी, ये 7,000 के आसपास कंज्यूमर हैं जिनको ये नोटिस दिया गया, जिनका कलेक्शन पुराने थे या जिनकी बीच में कहीं रिवाइज नहीं हुई सिक्योरिटी, कुछ की रिवाइज भी हुई ना, जो अनरिवाइज रहा था अमाउंट वो इंटरनल ऑडिट ने रिवाइज करा। विद्युत विभाग द्वारा जारी किए गए इन नोटिस को लेकर उपभोक्ताओं में काफी रोष है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस किसी भी सूरत में सही नहीं है। लोगों का कहना है कि विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को भी नोटिस दिए हैं जिनकी खपत पहले जितनी ही है, ऐसे में इन उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, ये तो आम पब्लिक के साथ बिल्कुल अन्याय है, क्योंकि जिन लोगों ने नई कंस्ट्रक्शन की है उन पर तो ये लागू किया जा सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी जिनको जिन्होंने कंस्ट्रक्शन 2003 से पहले की हुई है और उन्होंने कोई भी अमेंडमेंट उसमें नहीं की, कोई भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं की, तो उनके ऊपर जो ये कानून लागू कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है कि उनको नोटिस इशू करने का क्या मतलब है। जो उन्होंने पेमेंट करनी थी वो कर चुके और टाइमली भी वो पेमेंट कर ही रहे हैं, उनको भी नोटिस इशू किए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल पब्लिक के साथ अन्याय है। तो इसका कोई सही सलूशन होना चाहिए, ना कि ये लोगों को ऐसे परेशान किए हर डिपार्टमेंट का ही किस लिए नोटिस दिए गए हैं। तो वैसे ये तो बिल्कुल पब्लिक के साथ अन्याय है, तो पब्लिक अगर चुपचाप सहन करती रहे तो इसका मतलब ये नहीं भाई ये मन मर्जी करते रहे, तो ये डिपार्टमेंट को ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड का नाम है अशोक कुमार गुप्ता, जो इस अब है नहीं, उनके नाम का बिल है ये और मैं ही पे करती आ रही हूँ। उसके साथ बिजली के साथ में मेरे को एक नोटिस और आया है जिससे कि मुझे उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि किस चीज़ के लिए है। वो मैंने पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि ये ना कि जो सिक्योरिटी का पैसा है तो उसका आया है ज़्यादा पैसा बिजली के विभाग से। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।